दोस्तों, ये है हिंदुस्तान का सबसे खूबसूरत सिटी मुंबई शहर। मुंबई की ये सब अलीशान ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, खूबसूरत बड़ी बड़ी चौड़ी सड़कें व मेन रोड के साथ साथ चलती ये मेट्रो ट्रेन लाइन जो इस मुंबई शहर को और भी खूबसूरत बना देती है। और जब से ये मेट्रो लाइन मुंबई में आई है, तब से इस हाईवे लाइन पर यातायात के ट्रैफिक जाम में काफ़ी कमी भी नज़र आई है। और इसीलिए पूरी मुंबई में मेट्रो का पूरा जाल दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। और विदेशों की तरह ये मुंबई की गगनचुंबी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें और इन खूबसूरत गाड़ियों के लिए फ्री सिग्नल हाईवे, मेट्रो और लोकल ट्रेन ने भी इस मुंबई शहर की खूबसूरती व आगे से आगे मुंबई की प्रगति के लिए सब ने अपना अपना पूरा सहयोग दिया है। इसलिए ये मुंबई शहर पूरे हिंदुस्तान का सबसे खूबसूरत व सबसे महंगा शहर माना जाता है। दोस्तों, ये है मुंबई शहर की एक खूबसूरत बिल्डिंग जिसमें हमारे फिल्म निर्माता निर्देशक श्री मलकिया ठाकुर जी भी अपने परिवार सहित यहाँ रहते हैं और ये दोनों गाड़ियाँ भी उन्हीं के परिवार की हैं। मगर मलकिया ठाकुर जी बम्बई की ट्रैफिक की भीड़ को देखते हुए ज़्यादातर अपनी इस नई एक्टिवा स्कूटी पर ही आना जाना पसंद करते हैं। अभी भी वो सुबह के 6 बजे अपनी इस एक्टिवा स्कूटी पर ही सवार होकर पार्क सैर करने जा रहे हैं। और ये है मुंबई का एक खूबसूरत पार्क जहां वो नित नेम से हर सुबह इसी समय सैर करते हैं, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि हर इंसान को जीवन में सैर, योगा और एक्सरसाइज करना कितना जरूरी है, क्योंकि जान है तो जहान है। जो लोग प्रतिदिन सैर, योगा और एक्सरसाइज नित्यनेम से करते हैं, वो हमेशा सारा दिन तंदुरुस्त व फिट रहते हैं। उन्हें कभी भी जीवन भर डॉक्टरों व हॉस्पिटलों के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये देखिए, अभी वो सैर करके अपनी एक्टिवा से ही अपनी बिल्डिंग में वापस आ रहे हैं। उनकी बिल्डिंग की बेसमेंट में ही सोसाइटी की तरफ से एक खूबसूरत जिम भी बना हुआ है, जहां उनके सिर्फ सोसाइटी वाले ही सुबह शाम यहां आकर एक्सरसाइज करते हैं। और सोसाइटी के युवा बच्चों के खेलने के लिए जहां हर प्रकार की गेम भी सोसाइटी की तरफ से बनी है, जहां बच्चे छुट्टी के बाद आकर आपस में मिलजुल कर खेलते हैं। और ये है उनकी बिल्डिंग के ऊपर नीचे जाने वाली 2 नई लिफ्टें जो उनके 9वें फ्लोर के फ्लैट के बिल्कुल सामने ही आकर रुकती है। और इस नेम प्लेट पर उनके बेटे अजय ठाकुर व उनकी बहू वंदना ठाकुर का ये नाम लिखा है।
अजय ठाकुर फिल्म निर्माता निर्देशक है और उनकी पत्नी है वंदना ठाकुर और ये उनकी पूरी फ्लोर का ही फ्लैट है। और ये देखिए उनकी बिल्डिंग के पीछे भी मुंबई की बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं। और आज इत्तेफाक से दिवाली का पावन त्यौहार भी है, इसीलिए इन ऊंची ऊंची इमारतों में भी आज दिवाली के दिन रंग बिरंगी लाइटें जगमगा रही हैं। और इधर मलकिया ठाकुर जी के छोटे बेटे अजय ठाकुर के परिवार ने भी अपने घर के मेन गेट के ऊपर फूलों के हार व जगमगाती हुई लाइटों के साथ साथ आज माँ लक्ष्मी जी के स्वागत के लिए खूब रंग बिरंगी रंगोली भी अपने दरवाजे पे सजाई है, जो इस घर की सजावट में अपना पूर्ण सहयोग दे रही है। और अंदर लगी अजय ठाकुर के परिवार की ये सभी तस्वीरें भी बहुत सुंदर लग रही हैं। और ये देखिए मलकिया ठाकुर समेत उनके अन्य परिवार के सभी सदस्य भी इस तस्वीर में मौजूद हैं। और ये अजय ठाकुर द्वारा बनाई गई सभी मराठी सुपरहिट फिल्मों की ट्रॉफियां हैं। और ये अजय ठाकुर की पत्नी एडवोकेट वंदना ठाकुर है, जिसने आज दिवाली वाले दिन खुद अपने हाथों से माता लक्ष्मी जी का मंदिर खूब श्रद्धा से सजाया है। और अभी घर के मुखिया यानी कि वंदना ठाकुर के ससुर मलकिया ठाकुर जी अपने पूरे परिवार के साथ माँ लक्ष्मी जी की आरती गाकर उनकी आराधना सब मिलके कर रहे हैं। तो दोस्तों ये मलकिया ठाकुर का बेडरूम है, जहाँ सुख सुविधा की हर चीज़ मौजूद है। और वो सामने एक मॉल है और पास ही ये बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, जिसमें कई फिल्मी सितारे भी रहते हैं। और पास ही फिल्म सिटी है, जहाँ अक्सर सभी फिल्मों की शूटिंग होती है। और ये उनका बेडरूम है। और ये कमरा कंप्यूटर रूम कम बच्चों का स्टडी रूम भी है। और ये डाइनिंग हॉल है। और ये कमरा अजय ठाकुर के दोनों बेटों का हार्दिक और कृषिव का है। और ये किचन है, जहां एक भाई खाना बनाने में व्यस्त है। और ये बेडरूम अजय ठाकुर का है, अजय उनकी बैठक है, जिसे आज दिवाली वाले दिन बड़ी खूबसूरती से सजाया गया है। और आज दिवाली वाली रात को ही अभी मलकिया ठाकुर जी अपने बेटे अजय ठाकुर के परिवार सहित अपनी काली कार से अपने किसी रिश्तेदार की दावत पर एक 5-स्टार होटल में डिनर पार्टी के लिए जा रहे हैं। और आज दिवाली वाली रात को बम्बई की ये खूबसूरत सड़कें, यहाँ की दिवाली की रंग बिरंगी लाइटिंग, यहाँ की मेट्रो व यहाँ की ऊंची ऊंची खूबसूरत लाइटों से सजी ये बिल्डिंगें भी कितनी सुंदर दिखाई दे रही हैं। अब जहाँ बम्बई में
चाहे दिन हो या रात, सब एक समान दिखाई देता है। और बंबई की यातायात के लिए अब कितने ही नए पुल बन गए हैं, जिनकी वजह से ना ही अब इन सब सड़कों पर कोई सिग्नल होता है और ना ही अब कभी कहीं भी ट्रैफिक जाम होता है। और इस बंबई को और भी खूबसूरत बनाने में इस मेट्रो ट्रेन का भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। और इन मेट्रो ट्रेनों में मुसाफिरों के लिए हर स्टेशन पर ऑटोमेटिक चढ़ने उतरने के लिए, ये देखिए, सीढ़ियाँ अपने आप ऐसे ही सारा दिन रात चलती रहती हैं। और इन सब मेट्रो के दरवाजे भी ऑटोमेटिक सिर्फ 30 सेकंड के लिए ही अपने आप खुलते हैं और अपने आप ही ऐसे बंद भी हो जाते हैं। इन मेट्रो ट्रेनों में ऑफिस के जाने के समय में सुबह शाम तो बहुत रश होता है, मगर दिन के समय दोपहर को, जैसे अभी आप देख रहे हैं, जरा भी रश नहीं होता है। और ऐसे ही कई मेट्रो स्टेशनों पर प्रभु के भजनों को गाते हैं। और वहां खड़ी सभी पब्लिक भी इन भजनों का खूब आनंद उठाते हैं। और ये खूबसूरत आती जाती मेट्रो ट्रेनें ही अब बंबई की आन बान और शान है। और बंबई की लोकल ट्रेन भी बंबई की जान है। और अगर ये पहले की लोकल ट्रेनें ना होती तो आज बंबई कभी इतनी खूबसूरत ना बन पाती, क्योंकि ये लोकल ट्रेन ही तो है जो आज तक सभी बंबई वासियों का सारा बोझ अपने कंधे पर उठाए बंबई के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक सभी मुसाफिरों को भाग भाग कर उनकी मंजिल तक सबको पहुंचाती रही है और आगे भी ऐसे ही पहुंचाती रहेगी। और बंबई की समुंदर किनारे की ये चौपाटी भी देखने योग्य है, जिसे देखने के लिए हर बंबई वासी, जहां आए सभी टूरिस्ट भी अपने बच्चों सहित इस समुंदर किनारे चौपाटी पर घूमने पर अपनी शान समझते हैं। और बंबई में ही ये सभी हिंदी फिल्में व टीवी सीरियल भी बनते हैं। इन सब को बनाने वाले सभी कलाकार व निर्माता निर्देशक भी यही बंबई में ही रहते हैं। तो दोस्तों, बंबई की इस दिवाली की खूबसूरत रात में अभी हम सभी एक अलीशान होटल में पहुंच गए हैं, जहां आज हमें अजय ठाकुर के ससुराल वालों की तरफ से दिवाली के इस पावन त्यौहार में हमें परिवार सहित डिनर के लिए इनवाइट किया हुआ है। इस होटल का खाना बहुत स्वादिष्ट होता है, इसलिए सभी बच्चों समेत हम सभी बड़ों ने भी इस डिनर पार्टी को खूब एंजॉय किया। और इस ग्रुप फोटो के बाद हम सभी एक थिएटर में पिक्चर भी देखने गए। मेरा एक दोस्त जॉइंट पेन से परेशान, मैंने पूछा डॉक्टर राउत को ड्राइव, और वहां से बाद में हम सभी अपनी अपनी गाड़ियों से अपने अपने घरों को रवाना हो गए। और इस खूबसूरत दिवाली की रात को आज हमने एक हसीन यादगार दिवाली बनाया है। तो दोस्तों,
आज की बम्बई की जगमगाती दिवाली की ये खूबसूरत रात और प्रोड्यूसर डायरेक्टर मलकिया ठाकुर द्वारा दिवाली की बम्बई की जो बनाई गई फिल्म का प्रयास आपको कैसा लगा और बाकी बम्बई के बारे में अन्य जानकारियां आपको कैसी लगी, और अगर आपने अभी तक मलकिया ठाकुर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी अवश्य कर लें, ताकि हमारे द्वारा आपको ऐसी ऐसी अन्य जानकारियां आगे भी अवश्य मिलती रहे। आपका निर्माता निर्देशक मलकिया ठाकुर, बम्बई